आज की हम इस वीडियो में आपको टैली पे इनवॉइस बनाना बताएंगे। सबसे पहले टैली को ओपन करते हैं। इसके बाद ये टैली ओपन हो गई। इसके बाद जाते हैं क्रेडा कंपनी में, एक नई कंपनी बनाते हैं जिसमें हम कोई भी नाम डाल देते हैं। डिफ़ॉल्ट जो भी आपको नाम डालना है वो डाल देते हैं। सबसे पहले ये नाम डाल दिया, स्टेट ले लिया, इस पर डाला उत्तर प्रदेश, पिन कोड डाल दिया, जो भी आपको पिन कोड डालना है वो यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, इसके बाद पिन कोड 28201, इसमें आपको इंडिया ये यहाँ पे डाल दिया, और यहाँ पे वेबसाइट का पेमेंट, और ये आपका एंटर करा, और यहाँ पे एंटर करते हुए इसे एक्सेप्ट कर दिया, ये कंपनी बन चुकी है। इसके बाद अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, लेजर में जाएंगे, देन क्रिएट करेंगे। इसके बाद सेल्स बनाएंगे, सेल्स का सेल्स अकाउंट में जाएगा, सेल्स अकाउंट में जाकर एंटर कर देंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे। एक सेल्स का पार्टी नेम बना देंगे, उसे डाल देंगे, जो भी आप नाम डालना चाहें उसे सनराइज डेबिटर ले लेंगे, इसे एक्सेप्ट करा देंगे, ये एक्सेप्ट हो जाएगा। इसके बाद एस्केप करेंगे। अब जाएंगे हम इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में, एस्केप करके इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे। इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में एंटर करने के बाद स्टॉक ग्रुप पर क्रिएट करेंगे। स्टॉक ग्रुप वो होता है जिसका हमारे पास स्टॉक होता है, क्रिएट करके इस पर डाल दिया कंप्यूटर, जैसे कंप्यूटर के पार्ट्स हैं हमारे पास तो कंप्यूटर डालेंगे स्टॉक ग्रुप में, तो इस एक्सेप्ट करेंगे प्राइमरी में डाल के, इसे एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद डालेंगे यूनिट ऑफ मेजर्स, फोर्थ नंबर पर क्रिएट करेंगे, इसमें डालेंगे पीसेस, फॉर्मल नेम पर फुल फॉर्म पीसेस, एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद करेंगे एस्केप। अब डालेंगे स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम में आप एंटर करेंगे, क्रिएट करेंगे। सबसे पहले हमने डाला माउस, माउस का एंटर करेंगे, ये की कंप्यूटर का पार्ट्स है, पीसेस में जाता है, इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद हमने डाला इस पर सीपीयू, कंप्यूटर का पार्ट्स है और पीसेस में डालेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। इसके बाद डालेंगे आपका मॉनिटर, ये कंप्यूटर का पार्ट्स है, पीसेस में डालेंगे और इसे एक्सेप्ट कर देंगे, एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद अब जाएंगे हम इसका एंट्री करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में एंटर करेंगे। सबसे पहले एंटर करा, सबसे पहले प्रेस करेंगे F8, इसके बाद कंट्रोल वी नहीं करना, रेफरेंस नंबर पर जो भी आपको इनवॉइस नंबर का बिल नंबर देना है वो दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, यहाँ पर पार्टी नेम लेंगे डेबिटर वाला, जो भी आपको डालना है एंटर करेंगे, सेल्स लेंगे। अब अपने जो आइटम्स बनाए थे हमने स्टॉक ग्रुप उन्हें लेंगे, जैसे आपने डाला यहाँ पे, सबसे पहले हमने ले लिया सीपीयू, कितने सीपीयू हैं वो यहाँ पे हमने क्वांटिटी डाल दी, जैसे कि हमारे पास क्वांटिटी है। इसके बाद उसका प्राइस डाल दिया, प्राइस डालने के बाद एंटर करा। इसके बाद नेक्स्ट का आइटम लेंगे, नेक्स्ट आइटम हमने यहाँ पर ले लिया, जैसे कि मॉनिटर, मॉनिटर की क्वांटिटी डाल देंगे, उसका प्राइस डाल देंगे, तो नेट प्राइस आपका टोटल अमाउंट आपका अपने आप आ जाएगा, एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डालेंगे स्टॉक आइटम का थर्ड पर आइटम्स क्वांटिटी देन रेट, इसके बाद एंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद जैसे ही आप इसे एक्सेप्ट कराएंगे, उससे पहले यहाँ पर ऑल्ट पी कर देंगे और विद प्रीव्यू कर देंगे ऑल्ट आई, देन यहाँ पे एंटर करेंगे, तो ये आपकी इनवॉइस बन के तैयार हो चुकी है। आप देख सकते हैं, इसे जूम इन करें, यहाँ पर ये इनवॉइस शो कराएगा। जैसा आपका बिल क्रिएट होता है वैसा ही आपका इनवॉइस तैयार हो चुका है, यहाँ पे शो हो रहा है, ये इनवॉइस है, इसे एक्सेप्ट कर देंगे। एस्केप करके इस एंट्री को एक्सेप्ट कर देंगे, एंटर एंटर एंटर, और ये आपका एंट्री एक्सेप्ट हो रही है। और एक्सेप्ट करने के बाद ऐसे एस्केप करेंगे। इसके बाद डिस्प्ले में जाएंगे और टी बुक में जाएंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री को शो कराएंगे, एंटर करेंगे तो ये आपकी एंट्री दिखाएगी।